प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर की हिंदी फिल्म संगीत में दशा दोधारी चाकू की तरह रही है, जो दोनों ओर से चीजों को काटता है। अपनी अच्छी आवाज के बावजूद सुमन को फिल्मों में संगीतकारों ने अधिक अवसर इसीलिए नहीं दिए क्योंकि उनकी आवाज हूबहू लता दी से मिलती थी। जब बाजार में ओरिजिनल आवाज उपलब्ध हो तो ड्यूप्लीकेट को कोई क्यों मौका दे। सुमन का फिल्मों में आगमन भी इसी दौर में हुआ जब लता के खरकते कलदार सिक्के चलते थे। कोई संगीतकार लता के विरुद्ध सुमन से गंवाने की हिम्मत कैसे कर सकता था, इसीलिए सुमन चुपचाप हमेशा दूसरी कतार में खड़ी रहकर अपने नियति को दबे होठ ताउम्र स्वीकार करती रही। उन्हें लता का क्लोन बना दिया गया। एक समय एचएमवी ने 50 प्रेम गीतों के 4 कैसेट्स जारी किए थे, उनमें अधिकतम 7 गीत सुमन द्वारा गाए हुए थे। किशोर, रफी, तलत, मन्ना दे, गीता दत्त, हेमंत कुमार सब उनके पीछे थे। कैसेट कवर पर सबके फोटो छापे गए मगर सुमन का फोटो एक कैसेट पर भी नहीं था। ये कुछ उसी तरह की घटना है कि जायज टिकट होने के बावजूद बस कंडक्टर मुसाफिर को सरे राह उतार दे। सुमन के प्लेबैक सिंगिंग के करियर में 70 के दशक में बसंती बायर ने शीतल हवा के झोंके से उन्हें शांति प्रदान की थी। गीतों की रॉयल्टी को लेकर रफी लता में मनमुटाव चल रहा था। दोनों ने साथ गाना छोड़ दिया था। सुमन को इस दशक में 170 फिल्मों में गाने का मौका मिला। इस दौर में सुमन के उम्दा गीत सामने आए, जैसे दिल एक मंदिर है, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, तुमने पुकारा और हम चले आए, अजू न आए बालमा सावन बीत जाए, तथा आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं हर जुबा पर, लेकिन बाद में रफी लता में समझौता होते ही पुरानी स्थिति लौट आई। सुमन का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ। पिता बैंक अधिकारी थे। 1943 में मुंबई आने पर पढ़ाई तथा संगीत का प्रशिक्षण यहीं लिया। अपने गुरु यशवंत देव से बकायदा संगीत सीखा। उन्होंने ही मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में पहली बार गवाया। किस्मत यहाँ भी दगा दे गई, ये फिल्म में शामिल नहीं हुआ, लेकिन संगीतकार मोहम्मद शफी ने सुमन को फिल्म मंगू में गाने का अवसर दिया। सन था 1954 और सुमन की उम्र थी 17 साल। फिर किस्मत ने झपटा मारा। निर्माता ने संगीतकार को फिल्म के अधबीच में बदल दिया। उनका स्थान ओपी नैयर ने लिया। ओपी को गीता दत्त, आशा भोसले तथा शमशाद की मोटी आवाज पसंद थी। उन्होंने सुमन को सिर्फ एक गीत फिल्म में रखा, कोई पुकारे धीरे से तुझे। इसी साल संगीतकार नौशाद के निर्देशन में फिल्म दरवाजा में 5 गीत गाकर अपना पैर मजबूती से जमाया। इस दौर में वो सुमन हिमारी थी। मुंबई के व्यापारी रामानंद कल्याणपुर से शादी के बाद वो सुमन कल्याणपुर हो गई। ये बात नहीं है कि सुमन को अच्छे संगीतकारों की धुनों पर गाने का मौका नहीं मिला। हेमंत कुमार, रोशन, एसजी बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, खयाम, चित्रगुप्त और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सुरों के साथ अपने स्वर देने के मौके तो कई मिले, लेकिन तमाम फिल्में बी तथा सी ग्रेड की होने से लोकप्रियता नहीं मिल सकी। आज भी सुमन के अनेक गीत जब रेडियो पर या टीवी पर बजते सुनाई देते हैं तो श्रोताओं को लता का भ्रम होता है, जबकि वे सुमन के गाए हुए होते हैं। पारखी श्रोता ही ये अंतर समझ पाते हैं। सुमन के अनेक प्राइवेट एल्बम भी जारी हुए, विदेशों में कई कॉन्सर्ट में शामिल हुई हैं। तानसेन अवार्ड, महाराष्ट्र गुजरात सरकार के अवार्ड के अलावा मध्य प्रदेश के लता अलंकरण अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया है।